मैनपुरी जनपद में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने प्रेस वार्ता की। वहीं बसपा पूर्व जिलाध्यक्ष शुभम सिंह ने अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ आकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। वहीं इस दौरान प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। आज समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट करते हुए हमारे भाई पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी शुभम सिंह जी, नीरज पाल जी, जितेंद्र सिंह जी और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्तागण आज शामिल हुए हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता आज शामिल हुए हैं। और भाजपा की सरकार ये चल रही है पिछले 4 सालों में, और जितना दमन और जितना अत्याचार और अन्याय इस सरकार में हुआ उसके खिलाफ खड़े होकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी लोग शामिल। पंचायत चुनाव के दौरान जहां बहुत से लोग बसपा छोड़ के समाजवादी सदस्यता ग्रहण की है, वहीं कुछ बीजेपी के लोग भी आए हैं, क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव के दौरान जो कि समाजवाद, देखिए देहात के क्षेत्र में हमेशा समाजवादी पार्टी मजबूत रही, विशेषकर मैनपुरी में, और आज जो साथी शामिल हुए हैं इससे बहुत मजबूती पार्टी को मिलेगी। और कई ऐसे बूथ जहां पार्टी को वोट कम मिलते थे वहां भी पार्टी के पास मजबूत कार्यकर्ता होंगे जो पार्टी के लिए लड़ेंगे और वहां पर वोट डालने का काम करेंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास देहात में वोट नहीं है इसलिए शासन प्रशासन का उपयोग कर वो एक प्रयास में है कि किसी तरह से वोटरों को डराया जाए, धमकाया जाए ताकि पोलिंग प्रतिशत जो है वो कम हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पोलिंग में डटे रहेंगे और किसी भी तरह की बोगस वोटिंग नहीं होने देंगे, और जो भी पार्टी का वोट है पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी को देने का। क्या चुनाव चल रहे हैं इसमें किस रेडी को आपके यहाँ से समाजवादी पार्टी से वरीयता मिलेगी, जैसे कि जिला वार्ड बीडीसी है और प्रधान भी है और जिला पंचायत में, तो किसको आप टिकट देकर लगाएंगे? जिला पंचायत को लेकर पार्टी ने एक राय बनाई है कि जहाँ संभव हो सकता है एक राय होगी वहाँ पार्टी समर्थन करेगी प्रत्याशियों का। बाकी प्रधान और पीडीसी में सब स्वतंत्र हैं, सब लोग लड़ेंगे अपने अपने, जहाँ पार्टी के लोग हैं पार्टी के लोगों को लड़ाएंगे, उसमें पार्टी की तरफ से कोई सिंबल या किसी टिकट का प्रावधान अभी नहीं किया। अच्छा, जो निर्दलीय होंगे और वो जीत के आते हैं तो उनके लिए बाकी समाजवादी विचारधारा के जो लोग जीत के आएंगे निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में रहेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे। बसपा पार्टी छोड़ी है, सभा में शामिल हुए हैं, क्या ऐसा कारण है जिससे बसपा छोड़ी है? देखिए वर्तमान समय में हमें संघर्ष की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं मोदी सरकार किस तरह से महंगाई बढ़ा रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, जहां सड़कों पे आना चाहिए किसी भी दल को सत्ता में। हम सत्ता तो चाहते हैं लेकिन संघर्ष नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी हम लोग देख रहे हैं कि सड़कों पे संघर्ष कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी घर में बैठ के पार्टी चलाना चाहते हैं। और हम सभी लोग जो यहाँ आप देख रहे हैं कार्यकर्ता हमारे साथ आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, वो सब अंदर से कहीं ना कहीं तृप्त थे कि भई अब मतलब परेशान हो गए थे कि अब कब तक ऐसे चलता रहेगा, घर में बैठ के तो पार्टी नहीं चल सकती, अभी चुनाव भी आ गया है। इस तरह का माहौल था कि संघर्ष जहाँ हो रहा था हम लोगों ने संघर्ष के रास्ते को पसंद किया। हम लाठी डंडा खाएंगे लेकिन सरकार बनाएंगे समाजवादी पार्टी। ठीक, सपा और बसपा में गठबंधन भी हुआ था चुनाव में जी, उसके बाद आज पार्टी अलग अलग हो गई है दोनों, क्या ऐसा कारण? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहा और हम नेतृत्व के साथ रहे, इसलिए जब से गठबंधन खत्म हुआ अगर हमारे कुछ व्यक्तिगत लालच होते तो शायद हम उस समय भी पार्टी छोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारे राजनीतिक कारण है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए एक साल से लगभग असंतोष हम सभी लोगों में था और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इससे अवगत कराया गया लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस कारण से आज हमारे साथ नीरज पाल जी बैठे हैं और सब आप देख रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व जिला संयोजक हैं, मिशन सुरक्षा परिषद। आपने सभा में शामिल होने से पहले क्या बसपा को जो ना आपने वो अल्टीमेटम, बहुत सारे अल्टीमेटम दिए, बहुत सारे संकेत दिए इस प्रकार के कि देखिए एक समय होता है उसको समझिए, अगर नहीं आप समझेंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, इसलिए अंत में आके जब नहीं सुनी गई तो उसके बाद हम लोगों ने। अगर बसपा से आपके पास दोबारा शामिल होने का ऑफर आता है तो आप बसपा में दोबारा शामिल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, एक बार जो डिसीजन ले लिया जाता है उसके साथ रहते हैं। ठीक,